नमस्ते फ्रेंड्स, आई एम मनोज बर्गन, डायरेक्टर ऑफ जेएसएम ट्यूटोरियल्स एंड जेएसएम आईआईटी एंड मेडिकल हब। और आज हम एक नया टॉपिक, और सबके लिए, सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, तो सबके लिए जो जानना चाहते हैं कि हमारे डे टू डे लाइफ में केमिकल्स का क्या इंपॉर्टेंट है, हम किस तरह सुबह से लेके शाम तक हम केमिकल्स से घिरे हुए होते हैं, हमारे डे टू डे लाइफ में केमिस्ट्री का क्या इंपॉर्टेंस है, उन सब के लिए आज का ये वीडियो है। तो शुरुआत करते हैं। जैसे मैंने बोला है कि हम सुबह से लेके शाम तक किसके कांटेक्ट में होते हैं, केमिकल के कांटेक्ट में होते हैं। तो जैसे भी हम सुबह उठते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रश करते हैं। क्या करते हैं? ब्रश। और आपको बताइए, जो ब्रश है, तो ब्रश में क्या होता है, ब्रश का जो भी प्लास्टिक का बना होता है, दैट प्लास्टिक इज नथिंग बट क्या होता है, पॉलीथीन। और आपको अगर पता है पॉलीथीन इज अ पॉलीइथिलीन, पॉलीथीन इज अ पॉलीइथिलीन। पॉलीइथिलीन मतलब क्या होता है, जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन है। और केमिकल्स मतलब क्या, जो कुछ भी कैसे बना हुआ है, एलिमेंट्स से बना हुआ है, उन सब को हम क्या कहते हैं, केमिकल्स कहते हैं। तो इसी तरह जो ब्रश वहां पे बना है, जो टूथपेस्ट सॉरी ब्रश बना है, वो पॉलीथीन का बना है, और वो पॉलीथीन में इथीन का फॉर्मूला आप सबको पता होगा, इथीन का फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये इथीन हो गए, और जब बहुत सारे इथीन एक दूसरे को जुड़ते हैं तो उससे बनता है पॉलीथीन। और इसलिए ये ब्रश भी एक केमिकल से बना हुआ है। तो आगे केमिस्ट्री, ठीक है। अब हम देखते हैं, जो लोग ब्रश तो आपने ले लिया, अब फिर ब्रश क्या सिर्फ हम ब्रश करते हैं क्या, नहीं, ब्रश के ऊपर क्या डालते हैं, टूथपेस्ट भी डालते हैं, ठीक है ना। और ये जो टूथपेस्ट है, ठीक है, टूथपेस्ट अलग अलग कंपनी के टूथपेस्ट होते हैं। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा आप स्वदेशी ही प्रीफर करो। सो नंबर ऑफ डिफरेंट क्वालिटीज ऑफ टूथपेस्ट होते हैं, और इस टूथपेस्ट के अंदर भी बहुत सारे क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं। और इन बहुत सारे केमिकल्स में हम जैसे बोलते हैं कि हमारे टूथपेस्ट में नमक है क्या, हाँ, अगर हमारे टूथपेस्ट में नमक है तो नमक में क्या रहता है, सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट, विदाउट फेमस सॉल्ट, कौन सा है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो टूथपेस्ट के अंदर क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम भी मेटल है, क्लोरीन भी मेटल है, तो सोडियम क्लोराइड भी एक केमिकल हो गया। इतना ही नहीं, टूथपेस्ट के अंदर और एक थोड़ा सा हार्मफुल केमिकल होता है, उसका नाम है, सारे टूथपेस्ट के अंदर नहीं होता, लेकिन कुछ टूथपेस्ट में उसका प्रमाण ज्यादा होता है, उसका परसेंटेज ज्यादा होता है, तो ये होता है सोडियम लॉरेल सल्फेट, ठीक है। कौन सा केमिकल है ये, सोडियम लॉरेल सल्फेट। और ध्यान में रखेंगे, ये जो सोडियम लॉरेल सल्फेट है, दिस सोडियम लॉरेल सल्फेट इज कार्सिनोजेनिक। कार्सिनोजेनिक का मीनिंग होता है कि इट कैन कॉज द कैंसर, वो कैंसर कॉज कर सकता है, ठीक है, कार्सिनोजेनिक। तो इसलिए हमें जो टूथपेस्ट है वो छोटे बच्चों को नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम भी जब छोटे थे तो टूथपेस्ट से हम ब्रश मतलब दांतों को नहीं घासते थे, उसको क्या कर लेते थे, खा जाते थे। और इसलिए क्या है कि टूथपेस्ट जो होता है उसको खाना नहीं है, बिकॉज उसके अंदर कुछ टूथपेस्ट के अंदर, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, कुछ टूथपेस्ट के अंदर होता है सोडियम लॉरेल सल्फेट, ठीक है, सोडियम लॉरेल सल्फेट होता है जो कार्सिनोजेनिक होता है। तो इस तरह हमने अभी देखा है, चलो ब्रश हो गया। अब ब्रश होने के बाद हम क्या करेंगे, ब्रश हो गया, ब्रश होने के बाद हम अभी नहाएंगे। नहाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सोप यूज करते हैं, नहाने के लिए सोप यूज करते हैं। और ये जो सोप होती है, दिस सोप इज नथिंग बट सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड। ध्यान में रखेंगे, सोप क्या होती है, सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड। और ये जो सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड, उसके नाम नहीं है, सोडियम, सोडियम मतलब सोडियम आयन आ गया, फैटी एसिड,
एसिड फैटी एसिड का फॉर्मूला होता है RC डबल बॉन्ड OO, ठीक है। एसिड जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उन्हीं को हम फैटी एसिड भी कहते हैं, तो RC डबल बॉन्ड OH, दीज आर कॉल्ड वीक एसिड, फैटी एसिड। तो उसके अंदर कौन है, फैटी एसिड भी है और सोडियम भी है, मतलब केमिकल है, मतलब सोप भी क्या हो गई, केमिकल से बनी हो गई, ठीक है। चलो हमने उसके साथ साथ पानी पिया या पानी हमने यूज किया, पानी के अंदर भी कौन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ठीक है। चलो अभी नहाना भी हो गया और नहाने के बाद अभी क्या करेंगे, नाश्ता करेंगे, ठीक है। अब हमें नाश्ता करना है, ब्रेकफास्ट करना है, अब हमें नाश्ता करना है, ब्रेकफास्ट करना है, तो नाश्ते के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ तो भी खाना पड़ेगा, और खाने के लिए हमें जो कुछ भी हमारे घर में है उसको पकाना पड़ेगा, और पकाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, गैस का यूज करते हैं। और आप सबको बताए, जो गैस सिलेंडर के अंदर जो गैस आपके यहाँ पे भरी हुई है, गैस सिलेंडर के अंदर की जो गैस है वो कौन सी गैस होती है, मीथेन, ब्यूटेन, ये गैसेस हम काय के लिए यूज करते हैं, खाना पकाने के लिए यूज करते हैं। और आप सबको पता है मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, ब्यूटेन, ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10। तो मीथेन हो गया, वो भी कैसे बने हुए, कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं, तो इसलिए वो भी कौन है, केमिकल्स। तो केमिकल्स से मदद से ही हम खाना पकाते हैं। चलो अब खाना भी बन गया, नाश्ता बन गया, अब नाश्ता बनने के बाद क्या हो गया, नाश्ते में हमने जो कुछ भी खाया है क्या खाना चाहेंगे आप, समझो आपने नाश्ते में पाव भाजी खाई है, ठीक है, अभी पाव भाजी आपने नाश्ते में खाई है, तो ये जो पाव भाजी है उसमें क्या है, पाव, पाव के अंदर, पाव मतलब अपना पाव नहीं, वो जो ब्रेड का पाव होता है वो, तो उसके अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, उसके नाम नहीं है, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बो मतलब कार्बन और हाइड्रेट्स मतलब हाइड्रा, दैट इज वाटर। तो उसके अंदर कौन कौन है, कार्बन है और वाटर है, कार्बन मतलब कार्बन भी एक एलिमेंट है, वाटर है मतलब H2O है, और ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़े हैं जिनको हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। तो उसके अंदर भी कार्बन है, हाइड्रोजन है, मतलब एलिमेंट्स है, मतलब उसके अंदर भी क्या है, केमिकल्स है। तो चलो खाने में भी कौन आ गए, केमिकल्स आ गए, ठीक है। अब वो खाना हमने खाया, वो खाना भी पकाया केमिकल्स की मदद से, ठीक है। अब ये हो गया, खाना हो गया, अब खाने के बाद आप क्या करेंगे, खाने के बाद कोई मतलब खाया भी, खाने के बाद कोई ऑफिस के लिए जाएंगे, कोई ट्यूशन के लिए जाएंगे, कोई कॉलेज के लिए जाएंगे, ठीक है। ऑफिस के लिए जाओ, ट्यूशन के लिए जाओ या कॉलेज के लिए जाओ, आजकल हम कोई पैदल नहीं चलने वाले, हम कैसे जाने वाले, व्हीकल से, कोई कार से जाएगा, कोई स्कूटर से जाएगा, कोई साइकिल से जाएगा। तो कार या स्कूटर या कोई भी अदर आप जो भी व्हीकल, गाड़ी हम जिसको बोलते हैं, उससे अगर जाएंगे तो वो खुद होके नहीं चलती, उसके लिए हमें क्या होना, क्या चाहिए, उसके अंदर हमें क्या डालना पड़ता है, पेट्रोल। और ये जो हम पेट्रोल डालते हैं, तो पेट्रोल इज नथिंग बट ऑक्टेन, ऑक्टेन जिसका फॉर्मूला होता है C8H18, ऑक्टेन। और ये जो ऑक्टेन है इसके अंदर भी कौन है, कार्बन और हाइड्रोजन है, और ऑक्टेन के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन होने की वजह से ये ऑक्टेन भी एक प्रकार का कौन है, केमिकल है, ऑक्टेन भी एक प्रकार का क्या है, केमिकल है। सो ये ऑक्टेन हो गया। अब ऑक्टेन के बाद अभी चलो पेट्रोल डाल दिया गाड़ी में, क्योंकि गाड़ी तो ऐसे नहीं चलेंगी, उसी के साथ साथ गाड़ी में अगर हम देखेंगे तो वहां पे कुछ रबर रहता है, ठीक है। सो वहां पे क्या रहता है, रबर, रबर तो आपको पता है, तो रबर भी पॉली आइसोप्रीन होता है, पॉली आइसोप्रीन। अब ये हो गया आइसोप्रीन, आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर होता है CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 और फिर से CH डबल बॉन्ड CH2, ये आइसोप्रीन। और जब बहुत सारे आइसोप्रीन के यूनिट एक दूसरे को अटैच होते हैं तो उससे जो बनता है, दैट इज पॉली आइसोप्रीन, ठीक है। और ये जो पॉली आइसोप्रीन यहाँ पे बना है, इस पॉली आइसोप्रीन में क्या होता है, ये जो पॉली आइसोप्रीन है, ये पॉली आइसोप्रीन से रबर बनता है। तो गाड़ी में रबर होता है, प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक तो मैंने आपको समझाया, गाड़ी चलती है पेट्रोल से, तो पेट्रोल भी केमिकल है, मतलब आप अभी ऑफिस को जा रहे हैं वो भी क्या यूज करके, केमिकल्स का यूज करके। अब चलो ऑफिस में पहुंच गए,
ऑफिस में पहुंचने के बाद आप काम करेंगे, कॉलेज में पहुंचने के बाद आप लिखेंगे, तो लिखने के लिए क्या है, लिखने के लिए हमारे पास क्या है, पेन है। पेन के अंदर भी प्लास्टिक है, उसके अंदर जो आप बुक्स लेंगे तो बुक्स पेजेस से बने होते हैं, वो पेजेस जो होते हैं वो वुड से बने होते हैं, वुड के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो इसलिए उसमें के अंदर भी कुछ एलिमेंट्स है, उसके अंदर भी कुछ केमिकल्स है, ठीक है। तो इस तरह चलो अभी कॉलेज में आप चले गए, कॉलेज से आप अभी वापस आएंगे तो फिर से, ठीक है, कॉलेज में आपके सर जो बोर्ड पे लिखेंगे, तो बोर्ड पे जो लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, चौक से लिखेंगे, चौक से लिखेंगे। और ये जो चौक है, चौक आप सबको पता है, चौक के अंदर क्या होता है, जो लाइन होता है, चौक के अंदर क्या होता है, लाइन, एंड लाइन इज अगेन व्हाट, केमिकल। चलो हो गया, अभी हो गया, ठीक है। आप अगर क्या करेंगे, कॉलेज हो गया, कॉलेज होने के बाद आप अगर घर की तरफ चलेंगे तो घर की तरफ जब जाएंगे तो फिर से आप व्हीकल्स यूज करेंगे, ठीक है। और ये जो व्हीकल्स यूज करेंगे उसमें किस तरह के केमिकल्स आपके यूज होते हैं वो मैंने आपको बताया। अभी आप क्या और कुछ बातें आपको बताने की रहेगी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात थी। आप जैसे भी कॉलेज के लिए या स्कूल के लिए या ऑफिस के लिए गए तो आप ऐसे ही सादे सुधे नहीं जाएंगे, आप अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, और अच्छे अच्छे कपड़े जब आप पहनेंगे तो आपके कपड़ों का जो क्लोथ है वो टेरिलीन का बना होता है, टेरिलीन, टेरिकॉट, कॉटन, ऐसे अलग अलग टाइप के केमिकल्स से वो बना होता है, तो वो आपके कपड़े भी कैसे बने हुए हैं, केमिकल्स से बने हुए हैं। और उसी के साथ साथ आप ऐसे ही नहीं जाएंगे, आप बढ़िया मेकअप वेकअप करके जाएंगे, तो मेकअप करने के लिए जो भी ब्यूटी क्रीम्स आर, वेराइटीज ऑफ ब्यूटी क्रीम्स आर देयर, उस ब्यूटी क्रीम्स के अंदर भी क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं। तो ऑयल आप यूज करेंगे, ऑयल, ऑयल इज नथिंग बट द, इट इज द ईस्टर, ऑयल ये एक प्रकार का क्या होता है, ईस्टर होता है, इट इज द ईस्टर ऑफ ग्लिसरॉल विथ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये नहीं समझेगा आपको, जो केमिस्ट्री वाले उनको समझेंगे, ऑयल तो उसके अंदर भी कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, तो ये ऑयल भी एक प्रकार का क्या हो गया, केमिकल हो गया। तो इस तरह सुबह से लेके शाम तक आप किसके कॉन्टेक्ट में, केमिकल्स। चलो शाम होने की है, अभी आप ऑफिस से ही लौटते हैं, चलो आ गए आप ऑफिस से, ऑफिस से आएंगे फिर से खाना खाएंगे, खाना खाया कौन आ गए, केमिकल्स आ गए, खाना खाया कौन आ गए, केमिकल्स आ गए। उसके बाद क्लोथ्स में केमिकल्स हैं, आप गाड़ी से आए केमिकल्स हैं, आप रात को अगर क्या बोल सकते हैं हम कि मच्छर बहुत ज्यादा है तो आप वो गुड नाइट का कॉइल जलाएंगे, वो भी केमिकल्स है, उस कॉइल के अंदर लिक्विड होता है उसमें भी केमिकल्स है, ठीक है। तो इस तरह सुबह से लेकर शाम तक आप केमिकल्स से जुड़े होते हैं, और ये अलग अलग चीजें हैं जहां पे हम केमिकल्स का यूज करते हैं, वी यूज दैट केमिकल्स हियर, और इसलिए इन सभी केमिकल्स का स्टडी करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उन केमिकल्स का स्टडी करने के लिए साइंस ने एक ब्रांच बनाई, और उस ब्रांच का नाम है केमिस्ट्री। तो डोंट वरी, आशा करता हूं आप सभी लोगों को ये सारे केमिकल्स के कांटेक्ट में हम किस तरह से होते हैं ये समझा होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलना, थैंक यू सो मच।